हेलो भाई, आप सब लोग, आज मैं आप सबको एक नई बात सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि डीलिंक का राउटर कॉन्फ़िगर कैसे होता है। उसके लिए आपको ये आईपी सर्च कर लेना है, ऊपर जो दिख रही है 192.168.0.1, ये सर्च करते ही इस तरह से यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में आपको सिंपली डाल देना है ADMIN डाल के लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको, और उसके बाद में आपको स्क्रीन को ऐसे मिनिमाइज़ करना है एंड ऊपर से नीचे स्लिप करना है। और उसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ पर वैन सेटिंग, इस वैन सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन को मिनिमाइज़ करके एंड इस तरफ ये देखना है, नीचे दिख रहा होगा ऐड, इस ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखिए पूछ रहा है स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, आपका जो भी हो चूज कर लेना। जैसे कि मेरा स्टैटिक आईपी है तो मैं स्टैटिक आईपी चूज कर लेता हूँ। ये देखिए स्टैटिक आईपी मैंने चूज़ किया, तो ये देखिए नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको आईपी भरनी है। अब आपको अपनी कंपनी से आईपी ले लेना है एंड इसमें भर देना है। तो गाइस, आप आईपी भरने के बाद आप देखना बगल में यहाँ पर सेव दिख रहा होगा, इस सेव पर आपको क्लिक कर देना है। एंड इस सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी आईपी इसमें सेव हो जाएगी एंड आपका राउटर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो गाइस, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो बस हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक वीडियो को लाइक चाहिए एंड नीचे देखना रेड कलर का बॉक्स है, उसको दबा करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही और सारी वीडियोस आप तक हमारे ज़रिए पहुँचती रहें और सारी ढेर सारी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।